आज हमारा कैसल जा रहा है अपनी ग्रूमिंग करवाने रजौरी गार्डन। आज इसके बाल देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, है ना। वैसे इतने बाल तो नहीं है बट फिर भी बहुत गर्मी लगती है इसको, तो हम इसके बाल आज कटवाएंगे, इसके नेल्स कटवाएंगे, इसको नहलाएंगे, प्यारा प्यारा बाबू बनाएंगे। गुस्सा मत करो, आपको जल्दी आओ पहले। चल गाड़ी पे चढ़ जल्दी से, चलो। तो ये देखो ये सोच रहा है कि हम इसको डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। मम्मी नहीं जा रहे डॉक्टर के, पापा की दुकान जा रहे हैं। ये देखो ये ऐसी हरकत करता है, ये इसको लग रहा है इसको सुई लगेगी। आगे तो इसको हमने देखो डिग्गी में बिठाया था बट इसको इतनी गर्मी लग रही थी कि ये आगे आके बैठ गया। मम्मी चाह रही थी कि मम्मी के गोद में ना बैठे, मम्मी के पास ना बैठे, पीछे ही बैठे, कपड़े गंदे ना कर देगी। इसके बाल भी झड़ रहे हैं ना, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं इसके। इस मौसम में ना डॉगियों के बाल झड़ते ही हैं। तो देखो हम टैगोर गार्डन साइड से, यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम लोग ना रजौरी गार्डन मेन मार्केट से जा रहे हैं बिकॉज अंदर ज़्यादा हम लोग को ट्रैफिक मिलता। तो हम लोग रोड से जा रहे हैं और हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ रास्ता, बस यहाँ से हम थोड़ा यू टर्न लेंगे। ये क्या खुल गया सामने, क्लब क्या था ये? यार नहीं नहीं अच्छा, द बर्गर क्लब। ये शिफ्ट हो गया क्या इधर ही था, वो कल्याण खुल गया, उसकी वजह से वो बेचारा छुप गया। अरे नहीं चारू पहले सिर्फ वही दिखता था। हाँ इधर ही था, सॉरी इधर ही था। और देख सकते हैं कितना रश है। सबसे नफरत तो अरे दीदी साइड ले लो, आंटी हैं दीदी नहीं है। अरे आंटी बोलेंगे तो वो हो जाएगी ना, मेरी एज फैक्टर कर रही। जस्ट कल्याण ज्वेलर्स के सामने है ये, थोड़ा सा आ नहीं रहा। ये देखा दो ना सीधा यहाँ पे हम आए हैं। हाँ तो हम आ गए हैं, अभी हम अंदर से और देखते हैं। तो ये है रजौरी गार्डन के अंदर और इनका जो है ग्राउंड फ्लोर में है। बाय कैसे, बाय। गाइस हम गए तो बड़े खुश हो गए थे कि आज मैं अपना पूरा व्लॉग वहीं का बनाऊंगी, बट ये इतना निकम्मा लड़का है ना, कैसे ये वहाँ जाके भूखे पे, इसको लगा कि ये वहाँ पे इसको इंजेक्शन, इसको ग्लूकोज वगैरह दिख गई थी, समझदार तो है, पीएचडी तो करी है इसने डॉग बैचलर्स में। तो इसको लगा कि मतलब ना मेरे को इंजेक्शन लगाएंगे, ग्लूकोज की बॉटल टंगी हुई थी और वहाँ पे लिटरली 5 बंदे आ गए थे अपने काम धंधा छोड़ के। अरे जो मेन बंदा था जो वहाँ का, मतलब डॉक्टर थे कि क्या थे, वो भी आ गए भाई। वो कह रहे मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैंने कहा भैया देख लो आप कंट्रोल कर लो। इतना गुस्सा दिखा रहा ना सबके ऊपर, मतलब अटैक कर रहा था क्योंकि इसको सच में, लेकिन इसको डर भी लगा था बहन। 3 बारी पॉटी भी तो कर ली है, 1 बार पॉटी कर ली है जो इस टाइम करता भी नहीं है पॉटी। ये देखो शांत होकर बैठ गया है, थक चुका है बेचारा, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट जब एसी का तार खा लिया था ना, तो इससे उसी के तभी से उसको, हाँ सही बात है, तभी से उसको डर है और डरने लग गया। तो ये ना डरता है, मतलब इसको ना इंजेक्शन वगैरह से इन सब चीजों से बहुत डरता है। तो बस गए बड़े हम खिल, क्या कहते हैं उसको, खिलखिलाते हुए कि आज सुंदर बन के आएगा। मगर लेकिन कल हमें सुबह इसको 11 बजे लेके आना है और भूखे पेट लेके आना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंजेक्शन बेहोशी का करके, क्योंकि बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस वाला हो रहा है ना, वहाँ अग्रेसिव हो रहा था बहुत ज्यादा सबके ऊपर ना, लिटरली ये चिल्ला रहा था, चढ़ रहा था और उसको भागने की हो रही थी, मतलब मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि उसको थोड़ा फोबिया है, मतलब डरता है। पांच बंदे या मैं और शायद एक बंदा कह रहा है मैं खतरनाक से खतरनाक कुत्ते हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ऐसे बोल रहा था वो काली शर्ट में था। कितने डेले का टोटल 9 पॉटी के। अब हम ना एक जगह और जा रहे हैं, है ना,
ना वापस मेरे ख्याल से तो बंद हो, बस यही लग रहा है कि बंद, क्योंकि 8 बजे मोस्टली ना पेट क्लिनिक सब बंद हो जाती है, इन लोगों ने भी 8 बजे का टाइम देखते हो, आप देखो ना कितना ट्रैफिक हो रहा है। तो लेडीज सी कैसे कितना ज़्यादा रश है कैसे ना। तो फाइनली हम इसे नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ लेके आए थे 11 बजे, एम की स्टमक में इस पर इंजेक्शन लगा था और आप देख सकते हैं कितने आराम से फिर इसकी हेयर कट हुआ, फिर उसको नहलाया धुलाया, फिर हम लोग